Saif nowadays is leaving no stone unturned to sign as many good films as possible. Of late, उन्हें मिलन लुथरिया के साथ काम करना था तो उन्होंने खुद ही अपने सेक्रेटरी से उन्हें फोन करवाया और फिल्म साइन करने की बात की। दरअसल ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब सैफ अली खान ने न्यूज़पेपर में मिलन की अपकमिंग फिल्म की खबर पढ़ी एंड ही डिसाइडेड कि उन्हें ये फिल्म करनी है। फिर क्या था, सैफ के सेक्रेटरी ने एक लीडिंग म्यूजिक कंपनी को फोन किया और फिर इस कंपनी ने सैफ के साथ फोन पर ही डील लॉक कर दी, यानी सैफ ने बिना स्क्रिप्ट सुने फिल्म के लिए हाँ कह दिया। वेल, इसकी कॉन्फर्मेशन भी हमें खुद इस म्यूजिक कंपनी के हेड भूषण कुमार ने दी। हिज सेक्रेटरी सेड कि मींस आप सैफ से बात कर लीजिए, ही इज इन टर्की शूटिंग फॉर अ फिल्म, सो यू कैन टॉक टू हिम देयर एंड वी कैन फाइनलाइज नाउ ओनली। इतना ही नहीं, भूषण ने जूम को तो ये भी बताया कि सैफ ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं सुनी, एक आइडिया कहीं पढ़ा एंड ही सेड कि आई एम डूइंग द फिल्म। सैफ इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड थे या यू कहे कि उन्हें डर लग रहा था कि ये फिल्म कोई और ना साइन कर ले, इसलिए उन्होंने ईमेल पर ही फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। ईमेल पे ही अपना फिल्म स्कैन डॉक्यूमेंट होके साइन हो गई एंड वी गिव द चेक एंड and then when he came back, then me and Milan met him for 1-2 hours, narrated him the idea and he quite liked it. जहां इस इंडस्ट्री में हर एक एक्टर सोच समझ कर हर फिल्म साइन करता है, वहीं हमारे छोटे नवाब हैं जो बिना स्क्रिप्ट पढ़े बस डायरेक्टर के पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पर फिल्म साइन कर रहे हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि छोटे नवाब को एक बड़े हिट की जल्द से जल्द जरूरत है। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। Hi, this is Vivan. To watch and share with your friends the latest videos of Bollywood news and interviews on Facebook, go to www.zoomtvapps.com/bollywoodvideos.